नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, अपना कौन सा पाठ चल रहा था? अपना पाठ चल रहा था थर्ड संधि। पाठ पूरा हो चुका है। मैं आपको एक बार मौखिक प्रश्न के बारे में बता दूं, अभ्यास करने जा रही हूँ। अभ्यास में फर्स्ट प्रश्न क्या है? मौखिक संधि का सामान्य अर्थ बताएं। ये आपको बताइए है, संधि विच्छेद से आप क्या समझते हैं? ये भी मैंने आपको करवा दिया। दीर्घ संधि की पहचान बताओ। ये नहीं है, लेकिन पहचान बतानी होगी तो आप क्या बताओगे? दीर्घ संधि की पहचान ये है, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ आ ई ई उ ऊ के बाद दीर्घ अ आ ई ई उ औ आए तो दोनों के मेल से आ ई ऊ हो जाता है। ये तो है दीर्घ संधि की पहचान। वैसे ये मौखिक प्रश्न मैंने आपको बहुत बार बता दिए, जो आपने मौखिक में ही करने, इसको नोटबुक में नहीं करना। अब आ गया लिखित, जो आपके बुक वर्क है। लिखित, निम्नलिखित वाक्यों में राइट या क्रॉस का निशान लगाइए। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, राइट। व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। किसमें? व्यंजन संधि में केवल स्वरों का मेल होता है। गलत। स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है। स्वरों का मेल स्वर संधि कहलाता है, राइट। स्वर संधि के तीन भेद होते हैं। स्वर संधि के होते संधि के तीन भेद होते हैं स्वर संधि के तीन भेद होते हैं ये है गलत। ये था लिखित का प्रश्न वन। अब चलिए लिखित का प्रश्न नंबर टू। उचित संधि विच्छेद में निशान लगाइए। जो उचित है उस पर निशान लगाना है। मत प्लस एक गैर, मत प्लस एक गैर, मत प्लस एक गैर, मत प्लस एक गैर। तो इसमें जो राइट है फर्स्ट, इसको टिक कर लो। वधु प्लस उत्सव, तो इसका आएगा थर्ड। वधु प्लस उत्सव जो राइट है उस पर मैंने टिक लगा रखे हैं, आप भी अपनी बुक में ऐसे ही लगा लेना। विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो फर्स्ट आएगा विद्या प्लस अर्थी। सूर्योदय जो आएगा सेकंड, सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। अकैक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो फर्स्ट आएगा एक प्लस एक, अकैक। ठीक है, उचित संधि विच्छेद में राइट का निशान लगाना था, ये मैंने कर दिया है। आप इसको राइट निशान अपनी बुक में लगा लेना। फिर है प्रश्न नंबर तीन। शुद्ध संधि रूप के आगे राइट निशान लगाएं। शुद्ध संधि रूप के आगे राइट का निशान लगाएं। नदी प्लस ईश, नदीश, तो क्या आएगा? नदीश, सेकंड वाला नदीश। यथा प्लस ईस्ट, फर्स्ट वाला यथेष्ट। कवि, इसमें आ प्लस ई मिल रहे हैं, आ प्लस ई ए बनता है, पहचान में ए बनता है। कवि प्लस इंदर, कविंदर, कवि प्लस इंदर, कविंदर। राजा प्लस ऋषि, राजऋषि, राज ऋषि, तो सेकंड वाला आएगा। इसको आप अपने निशान लगा लेना अपनी बुक में। थर्ड करवा दिया, सेकंड करवा दिया, थर्ड करवा दिया। अब आए फोर्थ पर। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। धर्म प्लस सर, धर्मार्थ, धर्म प्लस सर, धर्मार्थ। सुर प्लस इंदर, सुरेंद्र, सुर प्लस इंदर, सुरेंद्र। वन प्लस औषधि, वनो औषधि, वनो, वन प्लस औषधि, वनो औषधि। पर प्लस उपकार, प्रोपकार, पर प्लस उपकार, प्रोपकार। लघु प्लस ऊर्जा, लघु जा, लघु प्लस ऊर्जा, लघु जा। भोजन प्लस आल्य, भोजनालय। नीर प्लस चय, निश्चय। मही प्लस इंद्र, महेंद्र। सत प्लस जन, सज्जन।
रमा प्लस ईश रमेश, आ प्लस ई एक बड़ी ए बन गई छोटी ए, आ प्लस ई के मेल से ए बनता है रमा प्लस ईश रमेश। एक बार फिर से प्रश्न नंबर सेकंड, ऊंची संधि विच्छेद पर राइट का निशान लगाएं, ये आप अपने बुक में से लगा लेना। फिर थर्ड है इसी तरह, फिर फोर्थ है इसी तरह, फिर है फाइव। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, दीपा प्लस वली, दीप प्लस अवली दीपावली, गिरी प्लस ईश गिरीश, नर प्लस ईश नरेश, महा प्लस उत्सव महोत्सव, महा प्लस ओज महोज, महा प्लस ओज महोज, स्वागत सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत, पो प्लस इतर पवित्र, पो प्लस इतर पवित्र, पर प्लस उपकार परोपकार। छठा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, संधि किसे कहते हैं। ये संधि की डेफिनेशन जो पीछे दे रखी है आप कर लेना। संधि के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखिए। संधि विशेष से क्या तात्पर्य है। संधि का अर्थ है मेल। ये संधि का किसे कहते हैं। संधि का अर्थ है मेल। किसी भी कठिन काम को हम मिलकर आसानी से कर सकते हैं। क्या आप इसमें सहमत हैं। अगर हाँ तो स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये तो था आपका पाठ। अब देखो इस पाठ की गतिविधि। देखो आप ये आपने अपनी बुक में ही करनी है, कहीं नहीं करनी। स्वर संधि के भेदों की पहचान कैसे होती इस विषय पर चर्चा कीजिए। ये छोड़ो, खेल खेल में होमवर्क नीचे दिए गए संधि विच्छेद की संधि वर्ग पहेली में से ढूंढ कर लिखिए। ये इसमें से दे रखी है वर्ग पहेली, इसको आप पूरा करना है। इस शब्द दे रखे हैं, इस शब्द से आप इसको पूरा कर लेना अपनी बुक में। ठीक है, इसके साथ ही आपका पार्ट थर्ड पूरा हो चुका है। पार्ट थर्ड एक बार फिर से देख लो। पार्ट थर्ड था आपका संधि जो मैंने करवाया है। संधि ये देखो, फिर मैंने संधि विच्छेद भी आपको करवा दिया। संधि का अर्थ पूछा था। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़, ये उसका आंसर बन रहा है प्रश्न का। फिर है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का अर्थ है अलग करना। ठीक है, फिर है स्वर संधि। स्वर संधि दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। फिर है दीर्घ संधि, गुण संधि, पांच होते हैं ना भेद स्वर संधि के, दीर्घ संधि, गुण संधि, और फिर है वृद्धि संधि, यंग संधि, अयादि संधि, फिर व्यंजन संधि। ये सब मैंने आपको करवा दिया, लेकिन आपके बुक से समझा रही हूँ एक बार कि ये मैंने सब कुछ आपको करवा दिया है। जिसका नहीं किया वो अब कर लेगा। विसर्ग संधि, आओ पाठ दोहराएंगे तो मौखिक ही होते हैं प्रश्न उत्तर। मौखिक तो वैसे ही पूछे जाते हैं, पर इसके आंसर तो आने चाहिए। मैंने चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझाया है। फिर है लिखित, इसमें राइट रॉन्ग है। निम्नलिखित वाक्य में राइट या क्रॉस का निशान लगाएं, ये मैंने आपको करवा दिया। फिर ये है प्रश्न नंबर 2, 3, 4। निशान शब्दों की संधि कीजिए। फिर है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद, कि पहले संधि करनी है या फिर संधि विच्छेद करना है। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, संधि विच्छेद से क्या तात्पर्य है। ये आपकी गतिविधि यानी कि एक्टिविटी, इसको आप अपनी बुक में ही पूरी कर लेना जितनी आती है। कर मेरे हिसाब से सभी वर्ड बन जाएंगे, अगर आप बनाओगे तो बन जाएंगे। इसके साथ ही चैप्टर 3 पूरा हो चुका है। कल मैं आपको करवाऊँगी चैप्टर 4। क्या करवाऊँगी, चैप्टर 4
चैप्टर का नाम क्या है? शब्द विचार। क्या नाम है? शब्द विचार। इसको अच्छी तरह एक बार आप रीड कर लेना।